नौ का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं? अंडर रूट से हमें सर्वप्रथम इसके गुणनखंड करने होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले रहे हैं। गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग देना होगा। दो, तीन, पाँच, सात, एक से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। सर्वप्रथम देखें, ये दो से विभाज्य नहीं है लेकिन तीन से विभाज्य है। भाग जा रहा है 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 9 के गुणनखंड के आगे 3 गुणा 3। हमें क्या चाहिए इसका वर्गमूल? करेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल, दो समान संख्या का जोड़ा 1 बार है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ओके, आसान है।